और वहीं अब खबर राजसमंद से है, जहां दरीबा एसके माइंस कंपनी में मजदूर की मौत का मामला गरमाता ही जा रहा है। मंगलवार को मृतक के परिजनों और श्रमिकों ने कंपनी के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और साथ ही जमकर धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनकर भी धरने में शामिल हुए और मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की। साथ ही मांगे नहीं मानने पर कंपनी के गेट के बाहर ही शव का अंतिम संस्कार करने की चेतावनी भी दे डाली। वही मामला बढ़ता देख नाथ द्वारा डिप्टी रोशन पटेल और साथ ही रेल मंगरा के थाना सहित तीन थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और इसके बाद पुलिस प्रशासन और विधायक की मध्यस्थता में इस मामले को शांत करवाने का काफी प्रयास किया गया। एलएनटी कंपनी में एक मजदूर काम करता हुआ उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी डेथ हो गई। हिंदुस्तान जिंक वालों ने उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए हिंदुस्तान जिंक के, और फिर उसके बाद तबीयत ज़्यादा खराब थी तो उदयपुर ले जाना चाहिए, उदयपुर के बजाय रेल मंगरा सरकारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उसकी डेथ हो गई। अब ये लोग सब चाह रहे हैं जब ऑन ड्यूटी किसी मजदूर की डेथ होती है तो जो मुआवजा उसके परिवारजनों को देना चाहिए वो देना का ये काम होना चाहिए, लेकिन अभी तक जिंक कर्मचारियों ने इनके अधिकारियों ने कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया।